नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। नहर खोदने वाली मशीन, दुनिया का पहला कार्बन टैक्स, पार्किंग स्थान पर सौर पैनल, बोतलें रेत बन जाती हैं, 2500 किलोमीटर साइकिल की सफर। एक छोटी सी मशीन खेतों में छोटी नहरें खोदने के काम में मददगार साबित हो रही है। इससे समय और लागत दोनों कम लगते हैं। कई बार खेतों में या किसी मैदानों में छोटी नहरें, कैनल या गटर खोदना आवश्यक हो जाता है। ऐसे कार्यों में बहुत सारा समय और लागत लग जाती है और हर बार ये नहरें हमेशा के लिए नहीं होती। काम खत्म होने पर उन्हें बुझा देना पड़ता है। इस काम को आसान, तेज और किफायती दामों पर करने वाली एक मशीन का विकास हुआ है। इसकी मदद से किसी भी स्थान पर ऐसी छोटी नहरें या कैनल कम समय में और कम लागत में बनाई जा सकती हैं, जिन्हें काम पूरा हो जाने पर बंद किया जा सकता है। डेनमार्क में पहला कार्बन टैक्स लागू कर दिया गया है। अब प्रदूषण करने वालों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। डेनमार्क ने हाल ही में दुनिया का सबसे सख्त कार्बन टैक्स लागू किया है। ये टैक्स देशों के कार्बन उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 37 लाख टन की कमी कर सकता है। कंपनियों को कार्बन के हर टन के लिए $159 चुकाने होंगे। यह भार $53 प्रति टन अतिरिक्त है। कैसे काम करता है ये टैक्स? इसके तहत कंपनियों को सीधे तौर पर होने वाले पर्यावरण नुकसान के लिए भुगतान करना है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के उपयोग से यह कंपनियों को अपने कार्य को साफ रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। वैश्विक कार्बन टैक्स कुल उत्सर्जन को 12% तक कम कर सकता है। अब तक 28 देशों ने कार्बन टैक्स लागू किया है। पार्किंग स्थलों पर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है। इस तरह बचाया जा रहा है बिजली पर होने वाला खर्च। कैलिफोर्निया के वॉलनट में इस हाईस्कूल ने अभी अभी उनकी पार्किंग को सौर संयंत्र से जोड़ दिया है। वाहनों को छाया देते हुए यह पार्किंग लॉट स्कूल को बिजली देने में मदद करता है। इसी तरह पेरिस के डिज्नीलैंड से भी पार्किंग स्थल से सौर ऊर्जा निर्मित होती है। 67,000 सौर पैनल इसे यूरोप की सबसे बड़ी सौर छतों में से एक बनाती है। हर पार्किंग स्थल को सौर पावर अपग्रेड देने का समय आ गया है शायद। समस्त बंधु भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। कांच की बोतलों को रेत में बदलने वाली एक मशीन का आविष्कार किया गया है। अब ये बोतलें कचरे में नहीं समुद्र तटों पर रेत बनकर जाएंगी। न्यूजीलैंड स्थित एक कंपनी का लक्ष्य अपनी तट रेखाओं की रक्षा करना है और इस्तेमाल की गई कांच की बोतलों को पर्यावरण के अनुकूल रेत में बदलकर देश की रेत की कमी को दूर किया जा रहा है। बॉटललैंड नामक इस अभियान का उद्देश्य न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर लैंडफिल और रेत के पुनर्नवीकरणीय कांच को बाहर रखना है। यहाँ कटाव के कारण द्वीप के विशाल समुद्र तट के विस्तार को कम कर दिया गया है। न्यूजीलैंड में बिकने वाली प्रत्येक 12 बोतलों में से 3 बोतलें गड्ढों में फेंकी जाती है। समुद्र तट से प्राप्त रेत पर देश की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से यह बोतल रेत परियोजना शुरू की गई। अब ऐसी मशीनों का एक बेड़ा बनाया गया है जो खाली बोतलों को तुरंत रेत के विकल्प में बदल देती है। ये मशीनें स्थानीय होटल और सामुदायिक स्थलों पर उपलब्ध हैं, जहां उपभोक्ता खाली बोतलें सैंड मशीन में डाल सकते हैं। प्रत्येक मशीन केवल 5 सेकंड में एक खाली बोतल को रेत में बदल सकती है। पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक 73 वर्षीय व्यक्ति ने 2500 किलोमीटर की यात्रा साइकिल पर पूरी की।
पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 73 वर्षीय डॉक्टर किरण सेठ ने अपनी साइकिल पर 2500 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने 11 मार्च से शुरू हुई अपनी यात्रा 5 जून को दिल्ली के राजघाट पर पूरी की। आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सेठ ने बताया कि उनके यात्रा के 3 उद्देश्य थे, सादा जीवन और उच्च सोच, पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और छात्रों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराना। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और उज्जैन सहित कई शहरों का दौरा किया। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाने की योजना बनाई। डॉक्टर किरण सेठ स्पीक मैक इस संस्था के संस्थापक हैं। मनुष्य ने अपने सारे के सारे कौशल जानवरों से सीखे हैं। जरा सोचिए, नारियल के पेड़ पर चढ़ना किस जानवर से सीखा होगा? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। आपने कभी पेड़ पर चढ़ने वाला पेंगुलिन देखा है? क्या ऐसा नहीं लगता कि हमने उससे नारियल के पेड़ पर चढ़ना सीखा है? क्योंकि मनुष्य जब नारियल के पेड़ पर चढ़ता है तो ठीक वैसा ही लगता है जैसे कोई पेंगुलिन हो। उम्मीद है कि यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।